हेलो एवरीवन। हाँ, अभी का व्लॉग 12 बजे स्टार्ट हो रहा है। 12 बजे से मैं सो मतलब आज मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, बिकॉज आज थंबनेल और बहुत सारी चीज़ क्रिएट करना, बहुत सारे चीज़ों को बनाना था। उसी चीज़ों को बनाने बनाने में टाइम बहुत ही ज़्यादा ये हो गया। और आज का गर्मी और कल के कंपेरिजन में और भी ज़्यादा है। और अभी समय आपका हुआ है 2 बजा है, और 2 बजा मतलब खाना वाना खा के रेडी होके, मतलब खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अभी सो भी गया था, 1-2 घंटा रेस्ट करके अभी फ़ोन को चार्ज में लगा दूंगा। बाहर में वेदर अभी हो रखा है थोड़ा क्लाउडी, और बारिश होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। बारिश होगा तो फिर लाइट फिर से कट जाएगा, इसी चलते इसी वजह से इसको सबसे पहले चार्ज में लगा लूँगा, फिर फुल सबसे पहले इसका जो कैपेसिटी है उसको फुल करने के बाद। सो भाई, मैं बोल रहा था गर्मी के बारे में, और गर्मी तो इतना ज़्यादा घर घर के अंदर रहते, मेरा ऐसे ही क्या बोलते हैं, गर्मी से मेरा गर्मी मेरे को सूट नहीं करता। सूट करने का मतलब क्या, मेरे को इतना पसीना निकलता है। अब ठंडा के दिन में भी मेरा पसीना हाथ में निकलते रहता है, हाथ में वो बहुत सारी चीज़ें। मेरे को गर्मी मतलब क्या, मेरे साथ साथ चलती है, चाहे कोई सा भी वेदर रहे, गर्मी रहे, फिर रेनी सीजन रहे या फिर कोल्ड रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मेरे साथ गर्मी का थोड़ा प्रॉब्लम है। गर्मी ज़्यादा मेरे को लगता है। और खाना खा के मैं उठ गया हूँ, और आप मेरे यहाँ गले में देख सकते हैं ये चेन, ये मेरा नहीं है, इसको मैं पहना हूँ, और ये गोल्ड का भी नहीं है, गोल्डन कलर का है, लेकिन मैं भी देख रहा था थोड़ा देर पहले, देखिए डिसकलर इतना दिन से नहीं हुआ है, और ये गोल्डन कलर का होते हुए भी डिसकलर नहीं हुआ है, गोल्ड भी नहीं है, तो इसको प्रीमियम थोड़ा अच्छे क्वालिटी का कलर किया हुआ होगा। और आज खाने में कौन चीज़ का, साग था और चना था और चावल था। और अभी तो लाइट है, लाइट रहने के पहले ही फ़ोन को चार्ज में लगा दूंगा और आप लोगों से मिलूंगा, फिर फ़ोन चार्ज हो जाएगा उसके बाद। सबसे पहले फ़ोन को चार्ज में लगाता हूं, और चार्ज में लगाने के बाद आप लोगों से फिर तो बातें होंगी ही। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जल्द अगर चैनल में विज़िट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हाँ, इवनिंग का टाइम 5 बजने वाला है, और 5 बजे मतलब आप देख सकते हैं क्लाउड पूरा ये हो गया। क्या हुआ, तो आप पकड़ो पकड़ो, गिरेगा फिर। और अभी शाम के 5 बजे उधर कहाँ जा रहा है, इधर से चलो ना रास्ता में। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश, और नहीं है बस इसी को खा लो और लेंगे अभी, चलो। ऐसा लग रहा है कि इस मौसम में अभी बारिश होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन मौसम में टेम्परेचर में कुछ डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि हैं बैठेगा बिस्किट, चलो दुकान जाना होगा। कुछ डिक्रीज तो हुआ है मौसम में, मतलब टेम्परेचर में, और ऐसे ही रहा तो, अगर ऐसे ही रहता है थोड़ा थोड़ा हवा चलेगा नाइट में भी, तो नाइट सोने में डिफ़िकल्टीज नहीं होगा। डिफ़िकल्टीज मीन्स पसीने से नींद पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है। पिछले 2-3 दिन से मेरा नींद ऑटोमेटिकली 2-3 बजे खुल जाता है, क्योंकि
इतना ज़्यादा पसीना निकलता है जब 1% भी का हवा नहीं लगता, घर में ना लाइट का ठीक ठिकान रहता है। इसी वजह से घर में तो सोने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। और घर में मतलब इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं गैस टाइप का भर जाता है, जिससे घर में सोने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है और पसीने से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। और आज तो बारिश होगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा, थोड़ा राहत हो जाएगा और घास फूस भी थोड़ा हरियाली और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मैंगो अभी तोड़े हैं, कहाँ बालू घुसा? कोई आपे जाएगा? चलो, पेड़ का पका होगा मैंगो है, पता नहीं कितना टेस्टी होगा कितना नहीं। टेस्टी होगा जहाँ तक हमको लगता है, पेड़ का मतलब पेड़ में पका हुआ है, ऐसे कि नहीं कि केमिकल वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो लिक्विड यहाँ से निकला है ना, ये लिक्विड अगर मुंह में लग जाता है तो कहीं पे भी स्किन में, तो स्किन में घाव हो जाता है। चने थोड़े से हैं तो इनको मैं खा रहा हूँ, और बचे हुए थे दोपहर में खाने का था, हालांकि इसको मॉर्निंग में खाने के लिए भिगोता हूँ जनरली, लेकिन मॉर्निंग में खाया नहीं, इसी वजह से अभी इसको खाना पड़ रहा है। और थोड़ा सा इतने सा है बस, हवा चल रहा है, अब ऐसे ही अगर चलता रहेगा, और इधर तो क्लाउड है, ये है ऊपर में, ऐसे ही हवा चलते रहेगा तो मौसम भी बेहतर हो जाएगा, जिससे आराम थोड़ा मिलना चाहिए। लेकिन रात होते होते हवा बंद भी हो जाता है ना भाई, बिकॉज ऑफ दैट टू मैनी इरीटेशन इन दिस समर। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, यहाँ थोड़ा सा काम से के सिलसिले में बाहर आया हुआ हूँ, काम के सिलसिले में बाहर में टहल रहा हूँ, और आप लोग से फिर कुछ देरी के बाद फिर मिलता हूँ। मौसम लगातार बिगड़ते जा रहा है, मैं आप लोगों को जैसे ही बता चुका कि अभी हवा चलना स्टार्ट हो गया, जैसे ही बोला उसके बाद ही हवा इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा है अभी कि बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है, बहुत ही तेज़ नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20-22-25 किलोमीटर के MPH के हिसाब से चल रहा है। और आपको मस्त चीज़ दिखाऊं, ये देखिए बर्ड्स, ये कौन सा बर्ड है, इसको चील बोलते हैं हम लोग इधर, हाँ। मैं जा रहा हूँ मैदान, हम लोग के गांव का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे क्रिकेट का मैच हो रहा है, कल भी खेले थे, आज भी अगर चांस मिलता है तो आज भी खेल लेंगे कल, मतलब थोड़ा छोटा छोटा स्मॉल अमाउंट लगा के मैच होता है तो वहाँ पे खेलने के लिए जा रहा हूँ, अगर किधर से भी चांस मिलेगा तो खेलूँगा वहाँ पे। हालांकि प्लेयर का कमी नहीं है, प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं वहीं जाता हूँ, देखते हैं चांस मिलता है नहीं मिलता है। बैटिंग कर ले यहाँ उतर, हाँ चल जा। हमारे द्वारा का नाथ श्री श्री स्टिंग द लाइफ द मैन द्वारा का दिल बात फोटो खींच रहे हैं, श्री मोती द्वारा का नहीं मिस्टर द्वारा का दिस, मतलब क्रिकेट देख रहे हैं आप, नज़र देख सकते हैं आप इधर ऑल ऑफ यू, अब ये तो देख सकते हैं कितने दर्शक बैठे हुए हैं, और ये भी विजेता की ओर बढ़ रहे हैं। छः ओवर 37 रन चाहिए, और 37 रन बनाने के लिए 6 ओवर में 37 रन बनाना है।
तो मैच जो है मैच खत्म हो गया, मैच जीत भी गए और बैटिंग मिला था हमको पहले, बैटिंग के दो ही बॉल में आउट भी हो गए। और अभी शाम हो गया है और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लाइट भी नहीं है, अब थोड़ी सी जो भी काम पेंडिंग है, काम पेंडिंग को इनकम्प्लीट कामों को कंप्लीट कर देंगे। और आज खाने में बना है खिचड़ी और उसको भी बन के रेडी हो गया, वो भी लाइट नहीं है, बस लाइट जैसे ही आ जाएगा उसको भी खा के आराम से मस्त से सो जाना है। तो आज के ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ कल। स्टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।